sir and to the minister. Thank you. Thank you. Srimati Ranjan Ben Bhatt. धन्यवाद अध्यक्ष सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया। सभापति जी, रेलवे बजट की अनुदान मांगों पे बोलने का आपने समय दिया। माननीय सभापति जी, अभी मैं शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को अभिनंदन देती हूँ। अभी अभी मैं सुन रही थी हमारी दोनों बहनों की बात, तो वो मैं बुलेट ट्रेन से ही बात करना चाहती हूँ और अभिनंदन इसलिए देना चाहती हूँ कि जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, देशवासी बुलेट ट्रेन में बैठना चाहिए, ये सोच लेके अहमदाबाद से मुंबई की बुलेट ट्रेन का जो उन्होंने प्लानिंग किया, गुजरात में करीब 99% लोगों ने भूमि अधिग्रहण कर दी, साथ में हमारे अधिकारी ने वहां काम भी शुरू कर दिया। जब काम की शुरुआत हुई 6 किलोमीटर की रफ्तार से वहां काम शुरू होता था, अभी करीब करीब 12 किलोमीटर से ये काम इतनी झड़पी से काम हो रहा है। हमारी दोनों बहनें यहां खड़ी है और वहाँ टावर भी खड़े हो गए हैं, वो काम शुरू है। मैं पोदार जी को भी आमंत्रण देती हूँ, आप गुजरात में जरूर आइए, ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आप देखिए कि कैसे काम चल रहा है। और हमारे गुजरात के सभी लोगों ने वो भूमि भी अधिग्रहण कर दी, इसीलिए आप जरा थोड़ा सा अभ्यास करके आइए और फिर आप यहाँ बताइए। ये मैं जरूर आपको बोलना चाहती हूँ कि गुजरात के लोगों ने जो भूमि देनी थी वो भूमि भी दे दी और साथ में वहाँ काम भी शुरू हो गया। तो इसीलिए मैं आपको, हमारे प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को बहुत ही अभिनंदन देना चाहती हूँ। फिर से मैं प्रधानमंत्री जी की एक दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे रेल मंत्री जी की एक, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो कोविड महामारी में भी, इतनी कोविड महामारी के बावजूद भी 2020-21 यानी फरवरी 21 तक के दौरान भारतीय रेलवे ने करीब 1793 किलोमीटर लंबी नई लाइन, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण का कार्यों को चालू करने का लक्ष्य हासिल किया है। इसके साथ ही 3003 किलोमीटर का रेलवे विद्युतीकरण और 4099 किलोमीटर का ट्रैक नवीनीकरण भी किया है। कुल 1009 पुलों की मरम्मत भी की है, मजबूत पुनर्वास पुनर्निर्माण किया गया है और 925 रोड ओवरब्रिज रोड अंडरब्रिज का निर्माण की भी किया गया है। रेलवे विभाग ने कोविड महामारी के बावजूद कार्य की गति को धीमा पड़ने नहीं दिया है। माननीय सभापति जी, रेल देश में रेल कनेक्टिविटी को अपग्रेड करने के लिए अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन करेगा। इनसे यातायात एवं आवागमन आसान और सुविधा सभर होगा, यात्रियों के लिए सीटों में भी इजाफा होगा। माननीय सभापति जी, नई 400 वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन से रेलवे का निजी क्षेत्र में भी निवेश बढ़ेगा, जिससे रेलवे विभाग का मुनाफा एवं आय बढ़ने की उम्मीद रहेगी। इस घोषणा के अमल से रेलवे के सेक्टर में रोजगार भी बढ़ेगा। इस बार बजट में एक नई घोषणा भी हुई है, वन प्रोडक्ट वन रेलवे स्टेशन योजना लाई गई है। इस योजना की मदद से हर स्टेशन की अपनी नई पहचान भी होगी। ये बजट में नई घोषणा के मुताबिक वर्ल्ड क्लास कवच टेक्निक की मदद से 2000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क तैयार किया जाएगा। यह टेक्निकी रेलवे नेटवर्क के सुरक्षित बनाने के साथ ही उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम भी करेगी। कवच टेक्निक ट्रेन टकराव से बचाव प्रणाली के नाम से भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जिसे कवच का नाम दिया गया है और इसका सफल परीक्षण हाल ही में माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन त्रिपाठी जी के द्वारा किया गया है। सभापति जी, बजट में हुई घोषणा के मुताबिक अगले 3 सालों में 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा मेट्रो सिस्टम के निर्माण में नए तरीके और तकनीकी को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के
साथ जोड़ने का फोकस रहेगा। इससे रेलवे का नेटवर्क बेहतर बन सकेगा। माननीय सभापति जी, इस बार रेलवे में मेरे संसदीय क्षेत्र वडोदरा के रेलवे डिवीजन के संदर्भ में भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ। वडोदरा रेलवे डिवीजन में दूरसंचार यात्री सुविधा के प्रावधान और प्रति स्थापन के लिए 12.89 करोड़ रुपए, पश्चिम रेलवे में फुट ओवरब्रिज और रेलवे स्टेशन पे हाई लेवल प्लेटफॉर्म के प्रतिस्थापन के लिए 125 करोड़, पश्चिमी रेलवे में रेलवे स्टेशनों पे दिव्यांगों की सुविधा की बढ़ोतरी के लिए 100 करोड़ रुपए, यानी वडोदरा रेलवे डिवीजन और पश्चिम रेलवे के कुल 462.89 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सभापति जी, मैं साथ में एक बात भी बताना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने वडोदरा शिक्षण नगरी है, वडोदरा कला की नगरी है, वडोदरा सर सयाजीराव महाराजा की नगरी है, वहाँ पे देश की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी वडोदरा को मिली है। अभी बुलेट ट्रेन का जिक्र हो रहा है, अहमदाबाद से मुंबई जो बुलेट ट्रेन जा रहे हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर भी वडोदरा को मिला है। माननीय सभापति जी, वडोदरा के 32 आदर्श रेलवे स्टेशन को आदर्श बनाया गया है। मेरे लोकसभा क्षेत्र के वडोदरा के रेलवे स्टेशन को 17.5 करोड़ रुपए से आदर्श रेलवे स्टेशन बनाया गया। उनका लोकार्पण भी हमारी MOS दर्शनाबेन, जो हमारे गुजरात सूरत से सांसद का प्रतिनिधित्व करती है और रेलवे में वो मंत्री है, उनके कर कमलों से उनका लोकार्पण भी किया गया है। माननीय सभापति जी, पिछले 12 साल से जब UPA की सरकार भी थी, हमारे वडोदरा को एक भी नई ट्रेन नहीं मिली थी। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे रेल मंत्री जी के आशीर्वाद से मेरे वडोदरा को एक वडोदरा से वाराणसी, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी वाराणसी से और वडोदरा दोनों जगह से सांसद थे, वडोदरा से वाराणसी के लोगों को जोड़ने के लिए वडोदरा से वाराणसी के एक महामना ट्रेन वडोदरा को मिली। साथ में मध्य प्रदेश का रेवा, वहाँ वडोदरा से रेवा मध्य प्रदेश के जोड़ने की ट्रेन भी नई हमारे मंत्री जी ने दी। साथ में अहमदाबाद वडोदरा से बहुत सारे पैसेंजर अहमदाबाद जाते हैं, तो वडोदरा से अहमदाबाद जाने के लिए भी हमारे मंत्री जी ने एक संकल्प ट्रेन भी दी है। इसीलिए मैं मंत्री जी को और हमारी दर्शनाबेन को बहुत ही अभिनंदन देती हूँ। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का जो मैंने अभी जिक्र किया, वो ट्रेनिंग सेंटर भी वडोदरा को मिला है। मैं साथ में हमारे मंत्री जी से एक दो तीन मांग भी करना चाहती हूँ कि वडोदरा और गुजरात में जितनी भी नैरो गेज लाइन है जो हमारे आदिवासी इलाकों से गुजरती है, वो नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में रूपांतर करके रूपांतरित करके ब्रॉड गेज लाइन से हमारे लोगों के आदिवासी लोगों की सुविधा में बढ़ोतरी रहे, इस दिशा में भी आपको हमारी मांग है। साथ में प्रतापनगर रेलवे स्टेशन सैटेलाइट रेलवे स्टेशन भी आपको बनाना है। आपने हमारा छायापुरी रेलवे स्टेशन, जिनको आपने सैटेलाइट रेलवे स्टेशन भी बनाया है, मैं मेरे वडोदरा की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का भी बहुत ही अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ। और साथ में जब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को गौरव दिलाने का काम किया है, जो भी यात्री को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जाना है, ट्रेन से जाना है, हाईवे से जाना है या तो फ्लाइट से जाना है, वडोदरा होके गुजरना पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और रेल मंत्री जी ने केवड़िया जाने के लिए 6 स्टेट से अलग अलग ट्रेन शुरू एक ही दिन में शुरू करके एक ही दिन में वहाँ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वो ट्रेन पहुंचे, इस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी ने जो काम किया है, मैं मेरे वडोदरा की जनता की ओर से भी प्रधानमंत्री जी को आभार और अभिनंदन देती हूँ और रेल मंत्री जी को भी आभार प्रकट करती हूँ। साथ में आदरणीय मंत्री जी से एक मांग और भी रखना चाहती हूँ कि मेरे वडोदरा में बहुत सारे सिख समुदाय रहते हैं और उनको अमृतसर जाने के लिए जब आप भी व्यवस्था हो सके, जब भी ट्रेन की नई शुरुआत आप करने जा रहे हो, तब वडोदरा से अमृतसर जाने की एक ट्रेन मेरी मांग रखती हूँ। साथ में वडोदरा से पंढरपुर जाने के लिए भी एक नई ट्रेन की मांग रखती हूँ और वडोदरा से हमारे बहुत सारे वडोदरा जिला
क्योंकि वडोदरा मध्य गुजरात में है, बहुत बड़ा शहर है, गुजरात का तीसरा नंबर का बड़ा शहर है। तो वडोदरा से सब हमारे गायत्री परिवार के लोग हरिद्वार जा सके, उस दिशा में वडोदरा से हरिद्वार की ट्रेन भी मिल जाए, ये मैं मांग रखती हूँ। फिर से मैं प्रधानमंत्री जी और हमारे रेल मंत्री जी और हमारी बहन दर्शना बहन को बहुत ही अभिनंदन मेरे वडोदरा के सभी नगरजनों की ओर से देती हूँ कि हमारे वडोदरा को जो आपने सुविधा दी है, वडोदरा की ओर से आप सबको मैं अभिनंदन देती हूँ। और ये बजट जो आपने दिया है, सच में एक नए भारत की दिशा में भारत को ले जाने का बजट दिया है, भारत को गौरव देने का बजट दिया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि मैं सड़कों से गांव और शहर को जोड़ूंगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं हर शहर के लोगों के पास हमारी ट्रेन जानी चाहिए और ट्रेन की सुविधा हमारे हर शहर को मिलनी चाहिए। इस दिशा में जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं और इस मार्गदर्शन में हमारे अश्विनी जी जो काम कर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करती हूं और मंत्री जी को भी बहुत आभार करती हूं। धन्यवाद। श्री ईटी मोहम्मद बशीर जी। सर, थैंक यू वेरी मच।